अस्सलाम वालेकुम मयूदी फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिल्की डिज़र्ट, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत कम चीज़ों से आप इसे इजली बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो 1 लीटर मिल्क है, एमएल पैक की एक क्रीम है, फुल क्रीम, और कॉर्नफ्लोर है, अनसॉल्टेड बटर है, और मुझे इसमें चाहिए होगा शुगर और साथ में कॉफ़ी और वनीला एसेंस। तो यहाँ पे 1 लीटर मिल्क के अंदर आपने शुगर ऐड करनी है, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है, और 4 टेबलस्पून भर के जो इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। इसे अभी आपने फ्लेम पे नहीं रखना, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है बिना किसी लम्स के। आप इसे चेक कर लें कि जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्लेम ऑन करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, और आप इसे आराम से बस जो है चलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे लग जाएगा, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक जो है मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और इसे चलाऊंगी अच्छी तरह से, इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्रीम ऐड करूँगी, 1 पैकेट मैंने आपको दिखाया है, वो पूरी पैकेट इसमें जाएगी। मुझे इसमें 1.5 तकरीबन पैकेट डालना था, लेकिन क्योंकि 1 मिली तो मैंने 1 ही डाल दिया, ठीक है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी, बैटर आपका बिल्कुल मेक श्योर हो कि स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मिक्स होने के बाद क्रीम मैंने ऐड कर दिया है बटर तकरीबन 1 टेबलस्पून के हिसाब से, और ये भी गर्म होने बावजूद जल्दी इसमें अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो आपने जो है फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है इस टाइम, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसे करूँगी डिश, और जिसमें सर्व करना है उसमें आपने जो है इस तरह से कॉफ़ी डिजॉल्व कर लेनी है पानी में, और इसमें उसी पानी में डिप करते हुए आपने केकरस को जो है इस तरह से इसकी लेयर लगा देनी है, और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड लेयर भी केकरस के लगाऊंगी, आप इसकी जगह कोई बिस्किट्स या कुछ और भी चाहें तो रख सकते हैं, वैसे कैंडी बिस्किट और लोटस बिस्किट भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मैं ये बता दूँ कि मैंने टेस्टी फूड विथ मारिया के से इंस्पायर होकर रेसिपी बनाई थी, तो जिसे भी आप करें उनको क्रेडिट देना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। तो खैर मुझे जो चीज़ सही लगती है मैंने वो की, बाकी आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आप देख लें मैंने इसे कट किया था, और ये इतना कोई क्रीमी और स्मूथ बना था, और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।